राधे राधे दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रोग्राम से संबंधित आपको और जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को और लाइक भी करें। तो राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस बेहद खास यूट्यूब प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी भविष्य जाना जा सकता है, जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं, साधक टीवी पे हमारा प्रोग्राम आता है और साधक टीवी पे मैं आपको कुंडली के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से, आपके वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, आपकी केपी कृष्णमूर्ति पत्ती के हिसाब से और बहुत सारी पत्ती अपने ध्यान के हिसाब से, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के हिसाब से और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके हिसाब से आपको भविष्य आपका बताते हुए आते हैं। लेकिन अब मैंने आपको एक भविष्य जानने की एक और तकनीक जो होती है वो है टैरो कार्ड्स, यानी कि टैरो कार्ड्स में क्या भविष्य आपका छुपा हुआ है और टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो सटीक माध्यम, यानी कि पॉइंट, एक आपने अगर मुझसे कोई क्वेश्चन किया, सपोज अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया कि क्या मेरी नौकरी इस साल लगेगी, तो मैं आपको कार्ड निकाल के दूंगी और आपको बताऊंगी कि इस साल में आपकी नौकरी इस जगह पर और इस महीने में आपकी नौकरी लग सकती है या आपकी शादी कब होगी, तो इस डायरेक्शन में आपकी शादी, इस महीने में आपकी शादी हो सकती है। तो इतनी सटीक जो प्रेडिक्शन होती है वो हमारी टैरो कार्ड के माध्यम से निकल जाती है। और मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आज आपको बताना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं। केतु ग्रह, आप सभी को जैसे कि पता है कि केतु ग्रह जो है बड़ा रहस्यमय ग्रह है, रहस्यमय, रहस्य का जो एक पूरा, जो जितना भी गहराई में जा सकते हैं हम, केतु जो है आपको गहराई से सोच के सारी चीजों को बताता है। तो टैरो कार्ड्स का और केतु का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। कनेक्शन किस हिसाब से है वो मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि कार्ड्स भी जो है, हर कार्ड पर एक रहस्यमय, एक पिक्चर सी बनी होती है। हर कार्ड पे देखेंगे आप, एक रहस्यमय पिक्चर सी बनी होती है। इस पिक्चर में क्या क्या, इसमें रहस्य छुपे हुए हैं, ये कोई टैरो कार्ड रीडर ही आपको बता सकता है। और टैरो कार्ड सिखाने का भी मैं, आप मेरे इस प्रोग्राम को देखकर टैरो कार्ड जो है वो सीख भी सकते हैं। जैसे कि दर्शकों, आप सभी को पता है कि 78 कार्ड्स हमारे होते हैं, तो 78 कार्ड्स जो हमारे होते हैं वो, उसमें से 22 कार्ड्स जो होते हैं हमारे वो मेजर अरकाना के होते हैं। 22 कार्ड्स जो है वो हमारे मेजर अरकाना के हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स की पहचान किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेजर अरकाना के कार्ड्स की पहचान जैसे होती है कि अगर ऊपर नंबर लिखा हुआ है और नीचे आपके द फूल, यानी कि ऊपर नंबरिंग भी है और नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, इट मींस दिस इज द कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। 22 कार्ड्स, देयर आर 22 कार्ड्स ऑफ मेजर अरकाना। बाकी सारे जो 58 कार्ड्स होते हैं वो माइनर, 56 कार्ड्स जो होते हैं वो माइनर अरकाना के होते हैं। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, दो कार्ड्स जो है हमारे, 22 कार्ड्स हमारे मेजर अरकाना के हैं, बाकी के कार्ड्स हमारे माइनर अरकाना के होते हैं। और उसमें भी डिवीजन होता है, उसमें भी डिवीजन होता है। जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस, स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि मेरी इस साल में शादी मुझे इस साल में करनी है या मुझे इस इंसान से शादी करनी है, तो अगर आपने दो कार्ड्स निकाले, एक कार्ड जो है आपका मेजर अरकाना का आया और एक कार्ड जो है आपका माइनर अरकाना का आया, माइनर अरकाना का कार्ड आया, तो आपको जो है मेजर अरकाना वाला कार्ड जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और तुरंत उनका आंसर जो है वो हाँ में होता है। तो ये आपको देखना है, वो हम आपको बताएंगे पूरे इस प्रोग्राम के माध्यम से। मैं आपको सिखाऊंगी कि टैरो कार्ड क्या चीज है और टैरो कार्ड रीडिंग जो है इतनी रहस्यमय रीडिंग है कि आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके अंदर की आवाज जो निकलती है उस हिसाब से कि आप सामने वाले का क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर आप क्या दे रहे हैं, उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, उसमें आपकी क्या इंट्यूशंस है, वो भी आपको, अपनी इंट्यूशंस को भी आपको अपनी जगाना है। और देखिए, मैंने तो लाल किताब में, देखिए मैंने उसमें भी बहुत खोज की है और लोगों को लाल किताब में भी बहुत कुछ सिखाया है। टीवी के माध्यम से, साधना टीवी पे मेरे प्रोग्राम्स आते हैं 11 बजे, आप लोग सभी मुझे साधना टीवी पे देखते हैं। तो टैरो कार्ड्स के में भी मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड्स भी जो है
ये भी आपके जीवन के भविष्य को सटीक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपका बता सकते हैं। तो हम चलते हैं टैरो कार्ड्स पे। मेजर अरकाना के कार्ड्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो 22 कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना के होते हैं और बाकी कार्ड्स जो है माइनर अरकाना के हैं। उसमें 14-14 कार्ड, 14 कार्ड्स जो है वो ईच में है। ये देखिए 14 कार्ड जो है ये इसके हैं, ये वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये आपके जो है ये आपको डंडे नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये देखिए सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये वॉन्ड्स जो है वो आपका फायर एलिमेंट है, फायर को यानी कि फायर यानी कि आग, आग को रिप्रेजेंट करते हैं ये कार्ड्स। 14 कार्ड्स जो है वो आपकी आग को रिप्रेजेंट, फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये माइनर अरकाना के 14 कार्ड्स हैं जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 14 कार्ड्स के मैं आपको आने वाले वीडियोस में सारे इसके मीनिंग्स बताऊंगी और ये क्या क्या कहते हैं ये कार्ड्स, बोलते हैं ये कार्ड्स। हर कार्ड कुछ कहता है आपकी, जिस प्रकार से आपकी कुंडली के 12 घर कुछ कहते हैं उसी प्रकार से ये 78 कार्ड्स भी कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो मैं आपको राज सारे कार्ड्स की खोलूंगी। जिस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं उसी प्रकार से 78 कार्ड होते हैं। और 14 कार्ड जो मैंने आपको बताया कि वो वॉन्ड्स के होते हैं, और 14 कार्ड जो है ये पेंटिकल्स के होते हैं, पेंटिकल्स के 14 कार्ड होते हैं। और पेंटिकल्स जो है यानी कि स्टार का साइन आपको हर कार्ड पे इसमें नजर आएगा। देखिए हर कार्ड पे आपको स्टार का, यहाँ पर देखिए 3 स्टार्स हैं, 3 पेंटिकल्स हैं, और इसमें देखिए आप ये 7 पेंटिकल्स का कार्ड है। और अगर आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पर 2 पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और उसके बाद जो है ये भी ये आपका 4 पेंटिकल्स का कार्ड है, 1 2 3 4। तो पेंटिकल्स के कार्ड जो होते हैं वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। 14 कार्ड जो है वो पेंटिकल्स के हैं, पेंटिकल्स के कार्ड जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी तत्व के कार्ड हैं ये। जैसे पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वैसे पृथ्वी तत्व की यानी कि अर्थ के कार्ड हैं ये। और अर्थ के कार्ड जब आते हैं तो यानी कि उससे ये डिनोट होता है कि जो आप क्वेश्चन पूछने जा रहे हो और उसका अर्थ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, उस कार्ड में क्या सीन आया है, क्या पिक्चर बनी हुई है, उसमें कितने पेंटिकल्स हैं, उन सबको डिनोट करके ही आपका आंसर जो है वो आपको दिया जाता है। उसके बाद आते हैं 14 कार्ड जो है, फिर दोबारा हमारे 14 कार्ड जो है वो 14 कार्ड कप्स के हैं। ये देखिए कप्स के आपके 14 कार्ड हैं, 14 कार्ड कप्स के जो है वो आपके कप्स के कार्ड हैं, कप्स के कार्ड हैं। और देखिए कप्स में ये नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ये देखिए कार्ड, देखिए आप नाइट ऑफ कप्स, इसमें एक कप है और देखिए यहाँ पर एक घोड़ा है और जो है उस पर सवार बैठा हुआ है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स यानी कि उसके बाद आपका जो कार्ड आता है यहाँ पर एज ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसे 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 करके हमारे 14 कार्ड्स है। किंग ऑफ कप्स का अगर कार्ड आता है और वो कार्ड क्या बोलता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या डिनोट कर रही है, ये कार्ड किस चीज का है, वो सब मैं आपको बताऊंगी आने वाले अपने पूरे प्रोग्राम्स के जरिए। और देखिए ये देखिए टू कप्स का कार्ड है, ये टू कप्स का कार्ड है। और इसमें ये देखेंगे आप इसमें क्या सीन आपको नजर आ रहा है इसमें, और ये किस चीज को डिनोट करते हैं कार्ड जो है ये वाइन, वाइन को डिनोट करते हैं कार्ड जो है ये। कप्स के कार्ड जो है वो वाटर को, वाटर एलिमेंट को डिनोट करते हैं, वाटर एलिमेंट यानी कि पानी, पानी को डिनोट करते हैं। कप्स के कार्ड जो होते हैं वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको आने वाले प्रोग्राम्स के जरिए आपको बताऊंगी। और उसके बाद 14 कार्ड जो है वो हमारे स्वोर्ड के हैं, स्वोर्ड यानी कि तलवार, स्वोर्ड्स के कार्ड है। देखिए स्वोर्ड्स का नाइट ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड आपके सामने है ये। उसके बाद पेज ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड है ये। इसमें देखिए पीछे बादल बने हुए हैं और पक्षी उड़ रहे हैं, ये तलवार लेकर एक लड़की खड़ी हुई है और नीचे जो है बादल भी पीछे इसके नजर आ रहे हैं। ये कार्ड्स किस चीज को डिनोट करता है वो आपको आने वाले प्रोग्राम में हम सब बताएंगे। ये नाइट, ये देखिए पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है ये। और जो स्पोर्ट्स के कार्ड होते हैं वो हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रहस्यमय चीज है जो केतु है, और ये जो कार्ड्स हैं वो केतु यानी रहस्यमात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी कि आपके सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड्स। तो आपको जो है इस ज्ञान को अगर आप लेना चाहते हैं और इस ज्ञान में आप इसका ज्ञान का मजा लेना चाहते हैं, इस ज्ञान या आप मुझसे टेरोर कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप जिस प्रकार से हम कुंडली के साथ में आपकी टेरोर कार्ड रीडिंग जो है वो फ्री करते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं, और आने वाले प्रोग्राम्स की सारी नोटिफिकेशंस जो है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम्स की सारी नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही मिल जाएगी कि कौन से प्रोग्राम जो है वो नए नए आपके जो है डाउनलोड हम करते हैं, तो आपको नॉलेज देने के लिए, आपकी आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यही मेरा एक उद्देश्य है कि सभी लोग जो है इस ज्ञान से लाभान्वित हो और ज्यादा ज्यादा लोगों को ज्ञान पहुंचे, क्योंकि जितना ज्ञान हम बांटते हैं, बृहस्पति अगर आपको ज्ञान देने के लिए बैठा है तो आप ज्ञान लेने वाले बनिए। ज्ञान लेने से ही ज्ञान ज्ञान देने से ज्ञान और बढ़ता है और बढ़ता है। और मेरे इतने सारे विदेशों में भी हमारे बहुत सारे जो है दर्शक, जो हमारे बहुत हमें प्यार करने वाले लोग जो है विदेशों में बैठे हुए हैं और वो हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और उन सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी के लिए जो है मैंने आप सभी के कहने पर ये टैरो कार्ड का जो है मैंने शुरू किया है, कि टैरो कार्ड आप हमें थोड़ा थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से टैरो कार्ड का रहस्य जो है वो खोला जा सकता है। तो दर्शकों, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि टैरो कार्ड के और क्या क्या रहस्य हैं। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोग्राम से संबंधित आपको और जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और लाइक भी करें।